लीडर बनने दिए ने कि वो मैं मुसलमान हो जब सिद्धरामैया मुसलमानों की दर्द नहीं था क्या तीन साल का MLC बाकी था उसके मुंह के ऊपर फेंक को आया सोने को निकालना था नुकसान अखिलेश का हुआ फायदा जो है BJP का हुआ ನಮಗೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇದು ಕೋಲಾರ ಫಾರ್ಮರ್ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೀ ಖಡೆ ಹೋಗಿ JDS ಭೀ ಜೊತೆ ಉಮೇದುವಾರ ಹೇ ತೋ ಕಿಸ್ ತರಹ ಕಾ ಮುಕಾಬಲಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಕ್ಯಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸಾನ್ ಹೈ ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸರ್ JDS ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಲೋಕಲ್ ಆದ್ಮಿ ಜಾನಾ ಪಹಚಾನಾ ಹುವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾಹರ್ ಕೆ ಆದ್ಮಿ बादामी में बाहर का आदमी चल गया बड़ी मुश्किल से यहाँ कोलार में सब हवा उषा रत्न यहाँ का बाहर भेज रही बाहर से अंदर नहीं ले रहे यहाँ का टमाटर पाकिस्तान को भी जा रहा तो उससे बाहर का कौन भी एक्सेप्ट करते नहीं लोकल इज बल्ला के ही यहाँ पर तो इसलिए सिद्धरामय्या यहाँ लोकल कैंडिडेट लेने के वोटा भी सिद्धरामय्या नहीं लेता तो क्या क्या होगा कैसे होंगे बताइए क्या लगता है लगता है इसके श्रीनाथ को 70,000 वोट आते कई बार श्रीनाथ गौड़ा 40-45,000 लेख जीता था ये बार इन्होंने 70,000 लेख जीते आपने कहा कि लोकल अगर उम्मीदवार होता तो जितने जितने वोट दे सकते थे उतने भी ले सकते थे मतलब क्या है कुछ नहीं है वोटा उनको देने वाले कौन है कोई आए जीते गए कर बोले तो होता क्या कोलार एक बड़ा सियासी सरगम हुशार ऐसे लोग हैं रैयत और पूरा भी रईतरा डोमिनेटेड ऐसे जगह 50-60,000 मुस्लिम है और मुस्लिम्स और घोड़े मिलको जो है ये बार इलेक्शन कर रहे हैं उसमें दलित मुनियप्पा को हारे वो दलिता पूरा बदला लेने खड़ी ये श्रीनिवास गौड़ा BJP को वोट डाले लहर सिंह को जिताया ना तो सिद्धरामय्या जो है एक ऐसी फेस है अखिलियतों के दरमियान ये माना जाता है कि अखिलियतों के हमदर्द लीडर है तो इसको किस तरह से तो मजे की काउंसिल का लीडर बने 21 सदमा में 19 सदमा मुझे वोट डाले मुझे लीडर बनने दिए ने कि वो मैं मुसलमान हूँ जब सिद्धरामय्या मुसलमानों की दर्द नहीं आता क्या तीन साल का MLC बाकी था उसके मुंह के ऊपर फेंक को आया सिद्धरामय्या कुछ पूछो लो बहुत बहुत अच्छा जानते हैं उनके 12 MLA जो गए जिनकी वीडियो स्टे लिया कोर्ट में वो लोगों का पूरा रोज अखबार हमें देख रही है कांग्रेस में भी जो है सिद्धरामय्या के खास MLA थे गए वो लोग पूरे BJP गए तो इससे फायदा किसे हुआ कोलिशन गवर्नमेंट गिरने से BJP को और कुमार स्वामी को निकालना था नुकसान अखिलेश का हुआ फायदा जो है BJP का हुआ अपन सिद्धरामय्या का हुआ सिटिंग में ले JDS पे थी और ये कांग्रेस और होगी ना फिर का ये क्षेत्र में ली सिद्धरामय्या अपोजिशन लीडर ने निस्कर अंत हेल्ता देगी दे फाइट ली ನಮಗೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ